सहाने अबायास एंड हिजाब सेंटर। यहाँ पर तमाम ब्रांडेड और बेहतरीन क्वालिटी के हम अकसाम के ब्रांडेड बुरखे और हिजाब कम से कम और वाजबी दामों पर दस्तियाब है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी शॉप तिलक रोड एबिट्स पर मौजूद है और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8125361079। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, 18 तेलंगाना न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। वट्टेपल्ली की रहने वाली एक खातून जिसका नाम कौसर बेगम है, उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उनके शौहर पिछले कई सालों से इन्हें हरासा कर रहे हैं और उनसे पैसों का मुतालबा भी कर रहे हैं। कौसर बेगम को दो लड़के जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप है, पहले से ही वुमेंस पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक केस दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी नहीं सुधर रहा है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे क्राइम पर सख्त कार्रवाई करे और वुमेंस की सेफ्टी करे। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ातर खबरों से जुड़े रहने के लिए 18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौसर बेगम है मेरा नाम, मेरे बच्चे दोनों फिजिकली मेंटली हैंडीकैप है। शमशाबाद के आगे नागरम विलेज मेरा ससुराल है। हस्बैंड और सास घर में पीना माना दोनों फुल टॉर्चर कर रहे। घर पे सास गालियां दे रहे, सास हाथा पैरा पकड़ रहे, हस्बैंड मार रहे। वहाँ से अलग होकर शमशाबाद में आके थे, वहाँ पर लिखा के रखे वहाँ पर ऐसा कर रहे बोल के, वहाँ पर कोई भी नहीं है बोल के ड्रिंक करके मार रहे, फांसी डाल दिए। 2-3 बार अटेम्प्ट टू मर्डर करे मेरे ऊपर दुपट्टा। हाँ, केस चल रहा उनके ऊपर ऑलरेडी, DVC केस चल रहा। तो मेरे रिसेंटली मेरे मम्मी गुजरने के बाद में 6 महीने पहले जून से मेरे पास आके है, साथ में रह रहे हैं। फिर अच्छा हो रहे थे शायद बोल के कोर्ट में डेट दिया उनको ऑब्जर्वेशन पीरियड में अच्छा रहने के लिए बोले। तो तब तक भी अभी अच्छा नहीं रह रहे, पीना फिर से मारना, वही खाने पर बैठ के उंगना खाना पानी गिरा देना, बच्चों को मारना, ऐसा कर रहे। फ्राइडे के दिन कोर्ट में हियरिंग थी तो ऑब्जर्वेशन पीरियड पूछी मैं, और टाइम चाहिए मेरे को, हस्बैंड का बिहेव सही समझ नहीं आ रहा मेरे को, बोल तो ऑब्जर्वेशन पीरियड दिए। वो पीरियड में फ्राइडे के दिन हियरिंग होके आते केस वापस क्यों नहीं लिए बोल के हफ्ते के दिन सैटरडे के दिन मॉर्निंग से टॉर्चर करना शुरू कर दिए। संडे के दिन मॉर्निंग चाकू उठा के मेरे ऊपर मर्डर करते बोल के ऊपर आके बैठ गए मेरे ऊपर, उल्टा जाके कंप्लेन कर दिया मेरे ऊपर कि बीवी ऐसा करे बोल के। ये बच्चे फिजिकली मेंटली हैंडीकैप है, ये नहीं होना मेरे को बोल के बोल रहे। और जो है सो अभी मेरे मम्मी का घर, पापा मम्मी गुजरने के बाद में पापा घर बेचे तो वहाँ से 10 लाख रुपए ले के आओ बोल के डिमांड कर रहे हैं। तेरे बाप के पास से पैसा लेके आ 10 लाख रुपए, नहीं लेके आ तो देख ऐसी करते रहे तुम, घर में से निकल तू, पहले तेरे बाप के पास से पैसा ला बोल के टॉर्चर कर रहे, ऐसा कर रहे। आज ही रिसेंटली आज सुबह घर में घुस के नहा रहे तो मैं पानी, घर में घुस के फ़ोन और 30,000 रुपये चोरी कर लिए। अभी बच्चों को बोलने नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ नहीं है। आप घासी बाजार केस में ऑलरेडी आए हैं? जी हाँ, यहाँ पर साउथ जोन में केस चल रहा है। यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया यहाँ से अभी। अच्छा, जी हाँ, यहाँ पर कोई एक्शन लेने के लिए राजी नहीं है तो। जी हाँ, अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? मेरे को फुल पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को और मेरे बच्चों को खतरा है, जान को धोखा है। कभी भी घर में घुस के आधी रात को कुछ भी करते बोल के बोल रहे हस्बैंड, शेख फरीद नाम है। मैं कैसा रहूं सर, मेरे को खतरे से खाली नहीं है। मेरे को और मेरे बच्चों को मर्डर कर दिए तो घर में घुस के बच्चों को उठा लेके चले गए। कल भी घर में घुस गए 5-6 आदमियों को, जेंट्स को ले लेके घर में घुस गए, बोल रहे कि निकल घर में से बोल के, घर में से मेरे को बच्चों को बाहर निकाल के कुफल डाल दे रहे घर में से, ऐसा कर रहे। जी हाँ, कॉल करे तो पुलिस आए, मैलाडेपल्ली PS, यहाँ पर साउथ जोन में केस चल रहा ना, वहाँ पर जाइए बोल के बोल दिए वो लोग। जी हाँ, यहाँ पर मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को और मेरे बच्चों को, जब तक केस चल रहा है उन्होंने ऐसा आके मेरे ऊपर हमला कर सकते कभी भी। तो जब तक केस चल रहा है आपके साथ रहना बोल रहे हैं? जी हाँ, नहीं प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को, उन्होंने रहे तो अगर मेरे खतरे से खाली नहीं है, मार देते मेरे को और बच्चों को भी, मार भी देते या बच्चों को उठा लेके भी चले गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बच्चों को बोलने नहीं आता पहले। क्या नाम आपके हस्बैंड का? शेख फरीदुद्दीन इमा भी है उनका नाम। सास की तरफ से क्या टॉर्चर रहा है? सास घर में गालियां दे रहे, फुल प्रेशराइज कर रहे हैं, घर पे आके जा तेरे बाप का है, ये बच्चों को फिजियोथेरेपी के लिए हैंडीकैप है ना, हॉस्पिटल को लेके गए तो रोज सुबह जा रही शाम में आ रही बोल के घर पे पूरा बस्ती में गालियां दे रहे, आके फुल बदनाम कर रहे हैं, फुल गालियां दे रहे घर पे आके। जिंदगी बेकार है,
हॉस्पिटल को नहीं लेके जाना पड़ रहा है, बच्चे का ठीक होने वाले नहीं है तो पैसा कहीं को बर्बाद कर रहे हैं, इन लोग को कहीं को बता रहे हैं, बोल के प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं बताना बोल रहे, सास गालियां दे रही, मरने वाले बच्चों को कहीं को बता रही तू बोल के बोल रहे। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality development through life skills, physical fitness and sports, transport facility available. Hyderabad International School, branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.